नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेलेकॉक्सिब कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए, जैसे कि भाई इसके यूजर्स क्या क्या हैं, ये सेलेकॉक्सिब आखिरकार है क्या, इसको कैसे लेना रहता है, इसका डोज कितना होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या आते हैं और इसको लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और साथ ही भैया, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई आखिरकार ये सेलेकॉक्सिब है क्या। तो दोस्तों, सेलेकॉक्सिब एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की मेडिसिन होती है। और इसके कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो ये सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती है। वहीं पे दोस्तों बात करें भाई इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, तो इस ये जो दवाई है इसके अंदर तीन प्रॉपर्टी होती हैं दोस्तों। पहली प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, कहने का मतलब है कि आपके शरीर में अगर सूजन और स्वेलिंग है कहीं पर तो उसको ये खत्म करेगी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है दोस्तों एनाल्जेसिक, आपके शरीर में जो पेन है भाई, स्वेलिंग होगी तो पेन जरूर होगा वहां पे, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों ये फीवर को भी, मतलब ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी इसमें होती है जो कि फीवर को भी रिड्यूस करती है। दोस्तों वहीं पे बात कर लेते हैं अब कि भाई ये जो कैप्सूल है, मेडिसिन है, कितनी स्ट्रेंथ में आती है। तो दोस्तों इसका जो कैप्सूल है 50 mg, 100 mg, 200 mg और 400 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मेडिकल स्टोर पे। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई ये जो दवाई है ये मेडिकल स्टोर पे किस नाम से आपको मिलेगी, तो इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सेलेब्रेक्स कैप्सूल इसका मिल जाएगा, साथ ही दोस्तों जाइसेल जो है इसका कैप्सूल आता है मेडिकल स्टोर पे, और कोबिक्स कैप्सूल के नाम से भी ये मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। अब भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई इसका यूज किस कंडीशन में करते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें इसका उपयोग होता है। दूसरी जो कंडीशन है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया कहते हैं, ये जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों, और खास करके जो हमारा नी ज्वाइंट होता है, घुटनियां होती हैं, वहां पे दर्द, सूजन, कटकट की आवाज आना, पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होना, तो उस कंडीशन में इसको देते हैं डॉक्टर। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग अडल्ट में और महिलाओं में एक्यूट पेन, मतलब अचानक से दर्द अगर उठता है तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। और साथ दोस्तों जो महिला के पीरियड्स आते हैं उसमें जो दर्द होता है तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। और साथ ही दोस्तों कुछ ऑफ लेवल के भी इसके उपयोग हैं, जैसे कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इसका उपयोग होता है, साथ ही दोस्तों जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस में होता है, और दोस्तों इसका उपयोग गाउट, मतलब अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसको देते हैं। तो दोस्तों ये हैं इसके उपयोग, जो कि आपने डिटेल में जाना, हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको अदर कंडीशन में रिकमेंड करे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भाई इसका डोज और लेना कैसे है। तो दोस्तों इस दवाई को आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद उपयोग कर सकते हैं। बात करें डोज के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो 100 mg और 200 mg की जो है कैप्सूल है वो सबसे ज्यादा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। भाई बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या आएंगे, तो इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि पेट में आपके दर्द महसूस होना, साथ दोस्तों जो है डिस्पेप्सिया, मतलब भूख कम लगना, और दोस्तों हल्की फुल्की डायरिया हो जाना, माइल्ड डायरिया हो जाना, या फिर आपके बॉडी पे रैसेस, इचिंग वगैरह भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों आपके एडेमा की समस्या भी हो सकती है इस टैबलेट से, और साथ ही दोस्तों आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हल्का सा बढ़ सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा भी इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई भी इसका साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो इस दवाई को नहीं लेना है और आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। भाई वहीं पर बात कर लेते हैं सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो दोस्तों सावधानियों में यही शामिल है कि अगर आपको इस दवाई से एलर्जी है तो इस दवाई को उपयोग नहीं करना है। साथ ही दोस्तों मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको 29 सप्ताह हो गए हैं प्रेग्नेंट हुए, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग नहीं होगा। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग जो है एल्कोहल का सेवन अगर कोई करता है तो उसमें नहीं करना है, और साथ ही किडनी और लीवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों यही था वीडियो सेलेकॉक्सिब दवाई के बारे में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो भैया फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्या देख रहे हो।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।